नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं या फिर आप फार्मेसी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर ये प्रश्न उठता होगा। अगर नहीं उठता है तो उठना चाहिए कि आप बी फार्मा कर लेंगे तो उसके बाद फार्मेसी का स्कोप क्या है, यानी कि आप कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, किस किस क्षेत्र से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपने अगर बी फार्मा किया हुआ है, आपने फार्मेसी की हुई है, तो आप फार्मेसी करने के बाद आपके लिए कौन कौन से द्वार खुल जाते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ बी फार्मा के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, बी फार्मा क्या होता है? बी फार्मा का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपने बी फार्मा में आपने मेडिसिन के क्षेत्र में ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने दवाओं में ग्रेजुएशन कर लिया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने ग्रेजुएशन तो कर ही लिया है, साथ ही साथ आपको एक टेक्निकल कोर्स का भी एक डिग्री मिल गया है। टेक्निकल मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक एडिशनल हुनर आ गया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो आप किन किन क्षेत्र में जा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सरकारी नौकरी से ही, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने अगर बी फार्मा किया है तो आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आप वो सारी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर सकते हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। सबसे पहली चीज़, आप जितने भी सरकारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें कि ग्रेजुएशन मांगा जाता है, स्नातक मांगा जाता है, आप वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका कोई भी, चाहे लेखपाल हो, चाहे टीचर हो, चाहे जो भी हो, जो भी वैकेंसीज आती हैं जिसमें स्नातक माना जाता है, आप वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप किसी भी अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वैकेंसी आती है तो आप एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़, जो कि लगभग हर बी फार्मा वाले का सपना होता है, ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। ड्रग इंस्पेक्टर एक पीसीएस लेवल का एक जॉब होता है, और आप पी फार्मा कर चुके हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, वो एक अलग विषय है, उसके लिए कोई अलग मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये तीन तो हो गई सरकारी नौकरी जो कि आप कर सकते हैं, एक ड्रग इंस्पेक्टर की, एक फार्मासिस्ट की, और कोई भी वैकेंसी जिसमें जिसको भरने के लिए ग्रेजुएशन मांगता है, चाहे दरोगा हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे जो भी वैकेंसी हो, आप भर सकते हैं। अब आते हैं प्राइवेट जॉब के बारे में। प्राइवेट जॉब में आपके पास दो ऑप्शन और होते हैं, एक होता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और एक होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्या होता है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आप अपने दवाओं की मार्केटिंग करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर को आप बताएंगे, डॉक्टर साहब इस इंडिकेशन में आप मेरे कंपनी की दवाइयाँ लिखिए। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है। इसमें अगर बात की जाए सैलरी की, तो आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 20 से लेकर के 25,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। और अगर आप ट्रेवल में आपको मज़ा आता है, अगर आप बाइक चलाना पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, तो मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगला नंबर आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एरिया। इसमें क्या होता है, ये इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जहां जिस कंपनी में दवाइयां बनती हैं, जैसे कि टैबलेट कहां बनती है, कैप्सूल जहां बनता है, जहां पर दवाइयां बनती हैं, आप उसमें जॉब कर सकते हैं, आप उसमें क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पैकेजिंग होती है, आप उसमें जा सकते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहां पर आपकी ड्यूटी फिक्स रहेगी, आपको सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 या 8 बजे तक आपको जॉब करनी है। अगर आप ओवर टाइम करें तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें अगर आप जॉब करेंगे एज अ फ्रेशर, तो आपको शुरुआत में 15 से लेकर के 16,000 के बीच में आपको जॉब मिलेगी। लगभग ये आपको हिमाचल प्रदेश या बद्दी साइड में आपको जाना पड़ेगा। ये तीन हो गए। अगर आप ये तीनों भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको नौकरी नहीं करना पसंद है मेरी तरह, और तो आपके लिए एक सबसे बेहतरीन विकल्प है, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप दवाओं का व्यापार कर सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप होलसेल के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एजेंसी ले सकते हैं। तो अगर आपको होलसेल का बिजनेस करना है तो आप ड्रग लाइसेंस बनवाएं, आप उसके बाद आप होलसेल का बिजनेस करें या फिर रिटेल का बिजनेस करें। तो ये कुछ स्कोप हैं जो कि आप कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग चीज़ होती है ये। तो मेरे ख्याल से आपको
चीज़ें समझ में आई हो आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको फार्मेसी का स्कोप समझ में आ गया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज लाऊँ उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो कई सारी इस सीरीज में कई सारी वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक अगर आप MR बनना चाहते हैं, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, तो आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, वो सारी चीज़ें मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ आगे की वीडियोज़ में। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।